इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अगर हम फर्जी हैं तो क्यों वार्ता कर रहा हमसे भाई? किसानों को समझा रहे हैं तो हम क्या आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, चाइनीज हैं, अमेरिका से आए हैं? हमसे क्यों ना बात करता? जो असली किसान है उससे बात कर। वो कौन से किसान है हमें बता दे, उसका एड्रेस भेज दिए। 50 बार पूछेगा ना पत्रकार महोदय तो एक ही जवाब होगा, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, एक ही तर्द है। बाकी जलियांवाला बाग बना ले तो अर्थी चली जाएगी। हम तो हाथ उठावे ना, वो शांति प्रिय आंदोलन रखेंगे, हाथ उठावे नहीं, और जिसने लाठी मारी उसके पाँव पकड़ लेंगे, पाँव छोड़ देनी, ये भी तय है। जिसने लट्ठी मारी पानी छोड़ लेंगे, पांच के जरूर पकड़ लेंगे, दूसरे के मार दे। हाँ, और बुड्ढों का लगन ना दें, जो हमारे बाबा हैं, जो ऐसे बाबा हैं, इनका लट्ठी लगन ना दें, चाहे गर्दन कट जाइयो, जलियांवाला बाग चाहे डूब के मर जाना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, और डूब के मर जाना चाहिए गृह मंत्री को, डूब के मर जाना चाहिए। ये आदमी आज खाट पे होना चाहिए था, अपने बच्चों के बीच में होना चाहिए था, आज इसे क्यों आना पड़ा? ये इसलिए आया कि इसका बेटा खेती कर रहा है और मैं अपने बेटे की जमीन बचाने के लिए, उसका सम्मान बचाने के लिए और उस डेथ वारंट को वापस कराने के लिए ये यहाँ सर्दी में पड़ा है, ये इसलिए आया है। चाहने को मैं अमेरिका जाना चाहूँ चला जाऊँगा, अगर मैंने ठान लिया जाऊँगा तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और किसानों ने ये ठान लिया है कि बिल वापस होगा, करके जाएंगे, वरना डेड बॉडी जाएगी सब। और दूसरी चीज, मोदी को किसानों से सबसे ज़्यादा एलर्जी क्यों है? ये कोरोना आ गया, एक साल हो गया, अभी विदेशी इवेंट पे नहीं जा पा रहा। अच्छा। अगर हमारा बच्चा घर से बाहर ना निकले तो वो चिड़चिड़ा हो जा और माँ बाप का भी चांटे मारने शुरू कर दे। हैं? तो यो अब देश के अन्नदाता के गर्दन पे इन्हें डेथ वारंट जारी कर दिए कि इन किसानों को मारो, जब इनसे लड़ो। अब ये फिर मैं इवेंट पे चला ही जाऊँगा, ये इवेंट पे नहीं जा पा रहा। सबसे बड़ी कमी वो है, हिंदुस्तान में नहीं कर रहा ये इवेंट। अभी बनारस गया था, डपली बजा रहा था वहाँ स्टीमर पे, स्टीमर पे म्यूजिक बज रहा था, लाइटिंग हो रही थी। है देश का फकीर स्टीमर में घूमेगा? अरे देश का फकीर तो कटोरा लेके भीख मांगा करे। है जहाँ जा वहीं का बन जा भाई, हमें यही ना पता इसके माँ बाप कितने। हाँ, उत्तर प्रदेश में आवे, मैं उत्तर प्रदेश का बेटा, बिहार में जा बिहार का बेटा, है राजस्थान में जा राजस्थान का बेटा। अरे मैं हूँ, मैं मेरठ का पैदा हुआ हूँ तो हमेशा मेरठ का ही रहूँगा, कलकत्ते का मैं नहीं होने का। तो ये एक अपनी निश्चित करें कहाँ का है। एक सांसद को 52,000 यूनिट बिजली की फ्री मिलती है। हाँ जी, और एक किसान ने अगर एक दिन जरा सा कुछ गड़बड़ कर दी तो वो जेल चला जाता है। हमारे मैंने आज अगर बैंक का पैसा नहीं दिया तो जमीन नीलाम होगी, आरसी निकल जाएगी, जेल चला जाऊंगा। और इनके फुप्पा नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, देश का पैसा लेके भाग गए, उन्हें आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। दूसरी चीज, जितने भगोड़े सारे गुजराती, यूपी का कोई भगोड़ा दिखाई दिया तो अरे सब कुछ तो कह रहा हूँ, जितने भगोड़े जितने लुटेरे सब गुजरात के हैं। तो हिंदुस्तान में जो भी है सब गुजरात को ही है। जहाँ जागा आप देखना ना, डाडी जी बढ़ गई इतनी लंबी होगी। क्यों पता है? पता है कुछ? वो इसलिए बढ़ गई, बंगाल में चुनाव आ रहे और जहाँ जा बेरुपिया तो है ही, बेरुपिया है पक्का, जहाँ सारा है पक्का। अब वहाँ से के जाके अब क्या बनेगा? रविंद्रनाथ टैगोर बनेगा। हाँ, वहाँ चुनाव लड़ने के लिए ये है चाल। ये देश का किसान अगर अगर किसी प्रधानमंत्री पे उसकी वहाँ की जनता विश्वास न करे तो ऐसे प्रधानमंत्री को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। जिसने चुना और वही उस पर विश्वास नहीं कर रही तो काहे के प्रधानमंत्री हैं? तो अडानी अम्बानी का प्रधानमंत्री है ये। अरे वहीं जाए उसके यहाँ नौकरी कर ले, उनका पोता हो गया उसे खिला ले, झुंझुना लेके उन्हें खिलाए ना। हमारी जान को क्यों आ रहा? हमारी जमीन क्यों छीन रहा? हमारे डेथ वारंट क्यों जारी कर रहा? अरे नहीं समझ रहे, समझा दे हमें। अगर हम अनपढ़ हैं, उस प्रधानमंत्री महोदय से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ आ जाए, उसका कोई क्लास फेलो बता दो, कोई पढ़ाओ उसके साथ, मेरे है मैं ला के दिखा दूँगा। तो ऐसा नहीं है, ये बिल सिर्फ कारपोरेट घराने के लिए है। ये ऐसा है, किताब के ऊपर लिखा है किसान, खोल के देखा अडानी अंबानी, कारपोरेट घराना उसके अंदर, बेकार फालतू की फेंकू चंद फेंकता जा रहा। अगर कोई एक काम बताओ, पहले रोजगार मांगा वो नहीं दिया,
15 लाख नहीं दिए, किसानों की डेथ वारंट पे साइन कर दिए। देखिए इन्होंने कहा, मैं किसी उसका नहीं लेता, कि पिछली सरकारें 70 साल से देश को लूट के खा गई। भाई चल अच्छी बात है, वो उन्होंने लुट्टा इसे लिया है। इसने आते के साथ क्या काम करा, रेल अडानी अंबानी को बेच दी, देश के एयरपोर्ट अडानी अंबानी को बेच दिए, देश के बंदरगाह अडानी अंबानी को बेच दिए, टेलीफोन व्यवस्था अंबानी को बेच दी, हैं LIC बेच दी, और एक सबसे बड़ा नवरत्न ONGC वो भी अंबानी को बेच दी। तो ये इनके फुप्पा ने बनाई थी, ये पिछली सरकारों ने तो बनाई थी, वे लुटेरे थे, वे इतना बना गए। ये देश के देशभक्त हैं, ये सारी को बेच रहे हैं। अरे यार वो कौन सा किसान है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसे, जिसे योगी जी ने समझाया, मोदी जी ने समझाया, किसने समझाया? ये उत्तर प्रदेश के सारा किसान पढ़ा यहाँ, जो 4 किलोमीटर पे वहां से मान लो पढ़ा, ये उत्तर प्रदेश का किसान पढ़ा, इनसे क्यों ना बात करते? वो कौन से इनके फुप्पा हैं जिनसे बात करें? कौन से फुप्पा इनके, वह हमें बता दो। हम किसान के बेटे हैं, हम धरती का सीना पाड़ के अनुगा दें, और जरा सी बात अगर हमारी अपनी पे आ जा तो संसद को भी खेत बना दें हम, तो इनके इनसे डरते ना? ये तो रोज बनाओगे नहीं, इनके कौन सा चाचा का पैसा लग रहा उसमें, हमारे टैक्स का पैसा। वैसे तो देश पे कर्जे में दबरा, माइनस GDP जा रही है, है? उस संसद में कौन से कांटे लग रहे थे जो हैगी? कौन सा इन्होंने सांसदों की सीट बढ़ाई, कौन सा इन्होंने राज्यसभा की सीट बढ़ाई, जो अभी ने और एक नई संसद की जरूरत पड़ गई थी, वो क्यों ना बता रहे उसमें, वो क्यों बना रहे देश को? कमीशन खाना है कमीशन, वो कहाँ से आएगा? जब कुछ नहीं बनाएंगे तो कमीशन कहाँ से आएगा? कमीशन खाया जाए मंदिर में, कौन सा मुझे रोटी मिलेंगी? अभी कोरोना आया था, सारे में भगवान जो है मंदिर में बैठ गए थे, ताला लग गया, कौन सा भगवान निकला था बाहर, है? आज इस गुरुद्वारे के इस लंगर पे सवाल है कि ये कहाँ से आ रहा? कोरोना में भी इसी ने रोटी दी थी, और आज किसान को भी रोटी दे रहा, भगवान जी को जड्डा लग रहा है, उन्हें गर्म कपड़े पर आकर भीतर बैठा रखा। वे लुटेरे हैं, लूटते हैं, उनका काम ना किसी को देना। अभी नागपुरिया संतरे RSS वाले आ जाओ बाहर, सारे मंदिर आ जाएंगे बाहर निकड़ के। अच्छा हाँ, ये उनके हैं, हमारे लिए ना, हमारा ये तो हमें लूटने के लिए है। देखिए हमारे देश को इसीलिए तो इन लोगों ने गुलाम बना दिया, धर्म जाति लिंग के आधार पे इन्होंने हमारे देश को गुलाम बना दिया, और अब थोड़ा हम संभले हैं तो ये फिर उसी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सब गुजरात में भेजना चाह रहा है, ऐसा क्या है जना गुजरात में? तो अब हम गांधी ना बने कि इस गाल पे मार दिया, इस पे भी मार दे। हम भगत सिंह भी हैं, भगत सिंह के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, और हम उधम सिंह के भी वंशज हैं, इन्हें बता दियो। हाँ अर्चन शेखर के वंशज हैं, तो अब वो गांधी जी वाले काम गए। आज BSNL कहाँ है भैया? देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, चाहे पहाड़ पे चला जा चाहे समुद्र में चला जा, BSNL आज कहाँ है? देखिए जो स्पेक्ट्रम ऊपर है वो हिंदुस्तान की सरकार का है, और ये जितने प्राइवेट फोन वाले हैं चाहे TV वाले हैं, सब ने खरीदा है सरकार से, है? लेकिन हमारी सरकार को तो खरीदना नहीं था, वो BSNL आज भी 2G पे पड़ा है, और ये 5G की तरफ जा रहे हैं। प्राइवेट वाले में कौन से हीरे लग रहे हैं कि प्राइवेट वाला आज एक कंपनी बनाता है, 6 महीने में दूसरी कंपनी खड़ा कर देता है, और भारत की जो नौरत्न है वो बिकते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो इसलिए, अगर सच बता दिया तो गूगल करना, हमारे यहाँ जो होती है एक सैलरी बेस होता है, उसको जो है हम डिसाइड नहीं कर पाते, ये करते हैं ऊपर से नीचे को। अगर मिनिमम आप उसकी आय मान करके डिसाइड करिए कि ये चपरासी है इसको क्या गुना देना है, ये उससे ऊपर क्लर्क है इसको क्या गुना देना है, अगर इन्होंने इस तरीके से कर दिया, पहले बेस मानिए बेस क्या है तब करिए। यहाँ से कि ऐसे ऐसे कर्मचारी बैठा रखे इन्होंने कि वो चपरासी है और वो 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा। अच्छा। ये है हमारे देश का दुर्भाग्य। जब हमारे देश में आज़ाद हुआ था तो हमारा कोई सांसद कोई विधायक तनख्वाह नहीं मिलती थी, और आज अडानी बना दो चाहे सांसद चाहे अंबानी बना दो, अरे हम बार बार कह रहे हैं बिल वापसी नहीं तो हमारी घर वापसी नहीं, हम तो आ गए घर से कह के, अरे हम किसी का नुकसान करने थोड़ा आए, अरे अभी तो नुकसान ही हुआ, अगर ये बिल वापस ना हुआ तो सारे मर जाएंगे, सबके डेथ वारंट है,
देखिए, सबसे शुरू में हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो व्यापार करने ही आई थी, और व्यापार करते करते हमें 200 साल गुलाम बना दिया। और उसी तरीके से ये अडानी अंबानी जिनका ये चौकीदार है उनको लाना चाहता है और हमें देश का गुलाम बनाना चाहता है, हमें इनका गुलाम, अडानी अंबानी का गुलाम बना रहा है। और ये चाह रहा है कि ये किसान जो है 500 रुपए की मजदूरी करें इनके यहाँ, तो अब हम मजदूर तो बनेंगे नहीं, हम किसान है, किसान ही रहेंगे।